टू, हमने क्लास टू में फर्स्ट जो वर्कशीट है उसमें ग्रेटर देन और लेस देन का हमें इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसका ईजिएस्ट वे ये है कि जिस तरफ ये ओपन हो रहा है ना, आप जहाँ भी जो ग्रेटर है आप उस तरफ इसको इस तरह करके बना दें। लाइक यहाँ देखें 19 and 18, तो 19 ग्रेटर हमने इसको इस तरफ कर दिया। अब यहाँ देखें 100 है, तो हमने इसको 100 की तरफ ग्रेटर कर दिया ताकि हम बच्चे, आप देखिए दोनों संबल्स हैं। आप ये देखेंगे यहाँ 19 ग्रेटर तो इस तरफ ओपन हो रहा है, यहाँ 100 ग्रेटर तो 100 की तरफ ओपन हो रहा है। अब यहाँ हमें बताना है कि बिफोर एंड आफ्टर, 11 से पहले क्या आएगा 10, आफ्टर 29, आफ्टर 29 इज 30, 98 एंड 100 के इन बिटवीन हमारे पास क्या आएगा 99। ये फोर्थ वर्कशीट सॉल्व करना है। सेकेंड वर्कशीट आपने इसमें बताना है जस्ट कि टेंस और वन, यहाँ 8 टेंस हैं और 0 वंस हैं, आपने यहाँ बताना है कि 3 टेंस मतलब 30 और 9 वंस हैं 39। थर्ड वर्कशीट है, हम इसमें बताने वंस और टेंस, अगर हम यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 टेंस हैं और वंस कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो ये हो जाएगा 9 टेंस 7 वंस मींस 90 प्लस 7। ओके, अब ये वर्कशीट है एडिशन। एडिशन सिंपल है, सिंपल ऐड करना है 639 और 639। यहाँ पे ये क्या है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब भी क्या होता है, व्हाट प्रॉब्लम ने प्लस ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर तो हम इन सबको भी हमने क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। लाइक 53 एंड 41, 3 and 1 4, 5 plus 4 9, ये जो ऑल टुगेदर है इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है ऐड करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है, हमें क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। सबट्रैक्ट 8 minus 6 is 2, 4 minus 4 is 0, सिंपल। अब इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट ओवर, इसका मतलब क्या है सबट्रैक्ट। हाउ मैनी डज जमाल हैव नाउ, अब उसने क्या किया, जमाल हैज 36 कॉमिक्स बुक्स, ही गिव्स 22 द खुर्शीद, अब उसने क्या किया उसके बाद 36 की 22 किसी और को दे दी, तो ये भी क्या होगा सबट्रैक्ट, जो रिमेनिंग मालूम करना है। लैला हैज 89 रैबिट्स, 18 हॉप अवे, हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट, लेफ्ट तो ये भी क्या होगा सबट्रैक्ट होगा, सिंपल सबट्रैक्ट, इसको हमने क्या करना है करना है। नेक्स्ट ये लास्ट वर्कशीट है, उसमें भी सबट्रैक्ट करना है। अब लेकिन इसमें सबट्रैक्ट का थोड़ा डिफरेंट वे है, 2 minus 5 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ था 7, यहाँ फिर कितना बचा 6, एक हमने यहाँ ले लिया तो ये हो गया 12, 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, यहाँ कितना बचा है 6, 6 minus 7 था लेकिन हमने जब एक बोरो दिया 6, 6 minus 2 is 4, 47। ये आपने इसी पे करना है। और ये लास्ट देखें, ये आपने कॉपी में कॉपी डाउन करना है, जो आपको कॉपी मिली है आपने क्या करना है राइट एंड मेमोराइज टेबल 2 to 8, 2 से 8 तक आपने टेबल क्या करना है लिखने भी, उनको मेमोराइज भी करना है, एंड वर्ड्स काउंटिंग आपने 51 से 100 तक आपने लिखनी है। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी मेकिंग की। फर्स्ट पेज के ऊपर आपको जो है वो अपना नाम जो है वो लिखना है, और उसके बाद आपको जो है वो 5 पेजेस इंडेक्स के लिए जो है वो छोड़ देने हैं। याद रखें इस तरीके से एक पेज जो है वो काउंट होगा। 5 पेज छोड़ने के बाद आपको जो है वो टाइटल जो है वो बनाना है चैप्टर का। हमारा पहला चैप्टर है फ़ायज़ा बिस्किट, जिस तरीके से आपको टीचर जो है वो पढ़ाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसकी जो है वो इंग्लिश और उसके साथ जो है वो उर्दू जो है वो लिखी हुई है। जैसे अगर हम तर्जुमे में जो है वो आएंगे तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है फ़ायज़ा इज़ पुअर, शी इज़ हंगरी, हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, फ़ायज़ा गरीब है वो भूखी है, इसके खाने के डब्बे में कुछ भी नहीं या वो खाली है। आप बिल्कुल इसी तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, ये सेकेंड पेज उसका हो गया। इसके बाद आप थर्ड पेज के ऊपर जो है वो आ जाएं। आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमें जो है वो फ़ायज़ा बिस्किट के वर्ड्स मीनिंग जो है वो करना है। देखिए बेटा 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, इसके ऊपर आप जो है वो हेडिंग लगाएंगे वर्ड्स,
इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ प्लेस वेयर पीपल गो एंड एंजॉय कुकिंग। तो यहाँ पर आपको जो है वर्ड जो है वो लिखना है, दूसरी जगह पर आपको जो है वो इंग्लिश मीनिंग लिखना है, और तीसरी जगह पर आपको उर्दू मीनिंग लिखना है। वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग की हेडिंग ऊपर लगेगी और यहाँ पर जो है वो उर्दू मीनिंग की हेडिंग लगेगी। इस तरीके से आप ये तमाम तमाम वर्ड जो है वो लिख लेंगे। ओके बेटा, इसके बाद हम अगले जो है वो क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। हमारा अगला जो है वो सवाल है क्वेश्चन आंसर्स का। देखिए बेटा, यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो लिखी हुई है। कॉम्प्रिहेंशन की हेडिंग आपको जो है वो लगानी है ग्रीन लाइन के ऊपर, इट्स मीन टॉप के ऊपर। इस पिक के बाद देखें क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है, व्हाट डिड फायदा सी वन डे। आपने इसका जो है वो जवाब लिख लिया, शी सॉ पीपल गेटिंग आउट ऑफ द कार, पीपल इन द रेस्टोरेंट हैविंग अ बर्थडे पार्टी। तो ये क्वेश्चन नंबर वन बेटा हो गया। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर। इसके बाद चैलेंज दिया हुआ है, इस चैलेंज को जो है वो नहीं करना है बेटा। इसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स, इस एक्सरसाइज को आपको जो है वो पूरा जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर टू, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली देन यूज द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये देखें बेटा, डोंट गिव अप योर म्यूज़िक लेसन, यानी अपने जो है वो अपने म्यूज़िक लेसन को जो है वो मत भूलें। इसका आंसर जो है वो लिख दिया, यू विल इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, जस्ट डोंट गिव अप ट्राइंग। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या हार मानना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री है बेटा, इसको भी आपको जो है वो नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर फोर डायलॉग है, इसको भी आपको नहीं करना। अच्छा बेटा, अब जो है वो हम सेकंड चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द ट्रैप। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रैप। सबसे पहले ट्रैप है, इसका आप टाइटल पेज जो है वो बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद वो ही बिल्कुल ट्रैप है, वर्ड्स होगा इसके ऊपर, वर्ड्स की हेडिंग आएगी, यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे, यहाँ पर उर्दू मीनिंग लिखेंगे, और ये तमाम के तमाम जो है वो उतार लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे बेटा, कॉम्प्रिहेंशन, ये सवाल जवाब हैं, ये तमाम के तमाम सवालात आपको जो है वो करने हैं ऑन पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें जो है वो ट्रू फॉल्स आपको जो है वो लिखने के, कौन सी चीज़ें ट्रू हैं, कौन सी जो है वो फॉल्स हैं। यहाँ पर देखें बेटा, चैलेंज है, इस चैलेंज को आपको जो है वो छोड़ देना है। इंशाल्लाह स्कूल जब खुल जाएंगे तो उस वक्त हम आपको जो है वो इसको सॉल्व करवा देंगे। सही है बेटा। इसके बाद चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो है वो करनी है, और फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद पुट द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सही है भाई। अब आप जो है वो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरीके से करेंगे, फिर आगे जो है वो इस तरीके से जो है वो करेंगे। ये पेज आपको पूरा करना है, उसके बाद इस पेज को भी पूरा करना है। ये जो चैप्टर नंबर टू है, ये पूरा जो है वो मैंने लिख दिया है, इसको एक मरतबा पढ़ लें बेटा। ये पेज नंबर वन है, ये पेज नंबर टू है। इसके अगर ट्रांसलेशन में जो है वो प्रॉब्लम आए, तो इसके पिछले पेज के ऊपर इसके ट्रांसलेशन जो है वो मौजूद है, इसके ट्रांसलेशन आप जो है वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा चैप्टर हमारा शुरू होगा एट द फॉर्म। बिल्कुल उसी तरीके से वर्ड्स एंड मीनिंग्स, इनको जो है वो उतारना है। तमाम के तमाम चैप्टर एट द फॉर्म इसी के अंदर जो है वो दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। इस जगह तर्जुमा दिया हुआ है, तो वही बात, सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले आप जो है वर्ड्स मीनिंग जो है वो लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे पेज के ऊपर आपको हेडिंग डालनी है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें तमाम के तमाम सवाल दिए हुए हैं, वेयर आर द चिल्ड्रंस आंसर्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, तमाम के तमाम सवाल करेंगे बच्चों। ये देखें, ये जो है वो पेज नंबर 25 था। अब पेज नंबर 25 से पेज नंबर 26 के ऊपर आएंगे, ये आपको इसी तरीके से उतारना है। इसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स, यहाँ पर आपको जो है वो जुमले बनाने, सेंटेंसेस, ड्राइविंग है इसका बना दिए, स्टॉपिंग है, और बाकी भी दिए हुए इनके। उसके बाद चैलेंज के ऊपर जो है वो आ जाएँ,
bull and goat are also found on the farm. Which other animals are found on the farm? कौन कौन से जो है वो फार्म के अंदर जानवर जो है वो पाए जाते हैं, आंसर जो है वो लिख दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू को देखिएगा, एड आई एन जी टू द फॉलोइंग एक्शन वर्ब, यानी ये जो भी वर्ब है हाइट, इसको आपने जो है वो हाइटिंग कर दिया, बी है डिप, आई एन जी जो है वो कर दिया। इसके लिए एक चीज़ आप जो है वो सुन लीजिए बेटा, जब भी कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट के ऊपर अपना एंड करे और उससे पहले ए ई आई ओ यू जो है वो आ जाए, तो हमेशा लास्ट वाले वर्ड को डबल कर देते हैं, जैसे हिट से हिटिंग, डिप से डिपिंग और इसी तरीके से। इसके बाद आप सी के ऊपर जो है वो आएंगे, पूरा उतार लेंगे, यहाँ तक जो है वो आपके एक्सरसाइजेज हैं, बस इसको जो है वो यहाँ तक जो है वो रखें, बाकी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ये भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, और जो है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपन बताया था कि सबसे पहले आप एक पेज अपने नाम के लिए छोड़ेंगे और 5 पेजेस जो है वो इंडेक्स के लिए छोड़ देंगे, इंडेक्स पे कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद एक और पेज छोड़ेंगे और इसके ऊपर आप टाइटल जो है वो बनाएंगे उर्दू में, मेरा खुदा। अच्छी तरीके से इस पोयम को आप हम्द को आपको जो है वो पढ़ना है, और पढ़ने के बाद कॉपी के ऊपर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो उतार लेना है। इसके बाद आप ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो जाएगा, दर्ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए, हम सबको किसने पैदा किया है, नीचे करके जो है वो जवाब लिखेंगे, हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इस नज़म में किन किन परिंदों के नाम लिखे गए हैं, आप इसके नीचे जो है वो इन तमाम के तमाम परिंदों के नाम लिख देंगे, जानवरों के नाम तो आप नीचे जो है वो तमाम के तमाम जानवरों के नाम लिख देंगे, किन किन चीज़ों के नाम तो नीचे चीज़ों के नाम जो है वो लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 खाली जगह का है, पहला है सबको बनाया मेरे डैश ने, इनमें से आपको कोई भी जो है वो लिखना है, इनको लिखने के लिए आप हम से मदद ले सकते हैं, सबको बनाया मेरे डैश ने, खुदा ने, सही बेटा। अब हम लोग जो है वो दूसरे चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, दूसरा चैप्टर हमारे पास सलाम करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर को मुकम्मल जो है वो पढ़ना है, सलाम करना। टाइटल पेज बनाया आपने, टाइटल पेज बनाने के बाद मुसलमान आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम जो है वो करते हैं, इस तमाम के तमाम को आपको उतारना है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है मुसलमान आपस में मिलते हैं तो पहले क्या कहते हैं, जवाब दिया हुआ है, फिर दूसरे का जवाब दिया हुआ है, फिर तीसरे का जवाब, चौथे का, और इसी तरीके से तमाम के तमाम सवालात के जवाब दिए हुए हैं। अब अगले उस पर जो है वो हम आएंगे, खाली जगह पुर करें, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन में आप जो है वो आंसर जो है वो लिख सकते हैं, आंसर्स ऊपर जो है वो दिए गए हैं, आंसर्स आपको चैप्टर में मिल जाएंगे, सही गलत के निशानात। ये जो है वो हमारा अगला जो है वो सवाल है, सलाम करने से डैश मोहब्बत दौलत बढ़ती है, तो बिल्कुल भाई मोहब्बत बढ़ती है तो मोहब्बत के ऊपर टिक लगा दें। इसके बाद अपनी कॉपी के ऊपर इस चिड़िया की तस्वीर जो है वो बनानी है, और जिस तरीके की जिस तरह के कलर चिड़िया में होते हैं वो जो है वो आपको भर देने हैं। क्लास 2 मेरे बेटा, सबसे पहले आप जो है वो कॉपी को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो देख लीजिए। जब आप इंग्लिश साइड में जो है वो आते हैं तो सबसे पहले आपको एक पेज जो है वो छोड़ना है अपने जो है वो नाम के लिए, उसके बाद इस तरीके से आपको 5 पेजेस जो है वो छोड़ने हैं क्योंकि उस पर आपको इंडेक्स बनाना है, सही है। इसके बाद अगला पेज होगा 6 पेज, इस पर आप जो है वो टाइटल बनाएंगे और फिर हम चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर है डॉटी मीट द स्केयरक्रो, इसमें ये तमाम के तमाम वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग, इनके आप जो है वो पोर्शन जो है वो बनाएंगे और वर्ड में वर्ड लिखेंगे, इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग, ये तमाम के तमाम आप लोगों ने जो है वो कर लिए बेटा यहाँ तक।
ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ये तर्जुमा जो है वो लिखा हुआ है, और पीछे अगर आप आएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है। चैप्टर पढ़ के और जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको समझ में जो है वो आ जाएगा कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये पहला सवाल आपने कॉपी में उतार लिया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन ग्रीन लाइन के ऊपर आपको जो है वो हेडिंग डालनी है अपने कॉपी के ऊपर। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए बी सी, और ये आप आई तक जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो लिख लेंगे। इसके बाद चैलेंज है, ये सवाल आपको जो है वो काट देना है, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन नंबर टू शुरू करना है और इसको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद सही गलत यानी ट्रू एंड फॉल्स हैं, इनको उतारना है और आपको जो है वो लिख देना है। वर्किंग विद वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये जंबल लेटर हैं, यानी आगे पीछे जो है वो हुए हुए, आपको जो है वो इनको सही ऑर्डर के अंदर लिखना है। स्टफ क्रोस रेस स्केयरक्रो। इसी तरीके से अब जो है आप चैप्टर नंबर टू रॉबिन के अंदर जो है वो आएंगे। रॉबिन पढ़ेंगे आप सिर्फ, इसका तर्जुमा जो है वो आपको आगे जो है वो दिया हुआ है। कॉपी पे करने वाला काम क्या है, सबसे पहले रॉबिन है, इसका आपको टाइटल जो है वो बनाना है। वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग ये लिख लिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सवाल जवाब का जो है वो होता है क्वेश्चन आंसर्स ए बी सी डी ई एफ। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन, ये जो सवाल है इसका आपने आंसर जो है वो लिख दिया। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है क्वेश्चन नंबर टू, ये आपको जो है वो पूरा का पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो लिखना है। वर्किंग विद वर्ड्स, इसमें जो है वर्ड्स और अपोजिट्स हैं, नेवर ऑलवेज, इस तरीके से आपको पूरा जो है वो लिख लेना है और यहाँ पर हमारा काम सारा का सारा कम्प्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में सबसे पहले आपको जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर अपना जो है वो नाम जो है वो लिखना है, और उसके बाद जो है वो पांच पेजेस जो है वो इंडेक्स के लिए छोड़ देना है। अगले उसमें जो है वो फायदा बिस्किट की आप हेडिंग जो है वो लगाएं। यहाँ पर देखिएगा बेटा, वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वर्ड्स, यहाँ लिखेंगे आप ई एम और यहाँ लिखेंगे यू एम उर्दू मीनिंग। इसको बेटा इसी तरीके से आप उतार लेंगे, उसके बाद चैप्टर पूरा का पूरा जो है वो पढ़ेंगे। फायदा इस पुअर शीत हंगरी, इस तरीके से आप आगे तक जो है वो लेके चले जाएंगे। सही है, आप दूसरा सवाल जो है वो आपको लिखना है, और ये सवाल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का है। इसमें जो है वो सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ए बी सी डी ई ये सवाल आते हैं। चैलेंज इसको आप जो है वो नहीं करेंगे। इसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स, ये एक्सरसाइज यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है वो करनी है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, और इस तरीके से करना है। यहाँ तक आप जो है वो ऐसे ही जो है वो काम करेंगे, बस ये चैप्टर नंबर वन मुकम्मल हो जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी। इसके बाद आप जो है वो चैप्टर नंबर टू के ऊपर आ जाएंगे। द ट्रैप, वही ये जो है वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश मीनिंग और ये जो है वो उर्दू मीनिंग। सबसे पहले आप जो है वो इसको जो है वो लिख लेंगे। इसके बाद अगले पेज के ऊपर आप कॉम्प्रिहेंशन की जो है वो हेडिंग डालेंगे ग्रीन लाइन के ऊपर। इसके बाद ये तमाम के तमाम सवालात लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, जितने भी सवालात हैं ये तमाम के तमाम करेंगे। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर टू ट्रू एंड फॉल्स का है, ये आप मुकम्मल तौर पर जो है वो करेंगे यहाँ तक। इसके बाद चैलेंज, ये वाली एक्सरसाइज जो है वो छोड़ देंगे, ये एक्सरसाइज भी आप जो है वो छोड़ देंगे, और जो है वो टू एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। इसमें ये तमाम के तमाम जो है वो दिए हुए हैं और ये आपको यहाँ तक जो है वो करना है। दैट्स इट, स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो पांच पेजेस जो है वो छोड़ने हैं टाइट इंडेक्स के लिए। इसके बाद ये पूरी की पूरी पोयम उतारनी है। सवालात क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये जो है वो उतारने हैं। खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज लिखिए, ये आपको जो है वो करना है, और जो है वो अल्फाज को जो है वो मिलाना है जिनके जो है वो एक जैसी आवाज़ है। इसके बाद
चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आएंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, ये चैप्टर आप जो है वो पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये जो है वो टाइटल जो है वो बनाएंगे और इसकी खुशखती यानी आपको जो है वो कॉपी में ये पूरा का पूरा चैप्टर उतारना है। इसके बाद ये सवालात तमाम के तमाम आ गए हैं, इसके बाद खाली जगह पूर करें, ये तमाम के तमाम जो है वो आ गई हैं और आपको तो